Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I have been getting a lot of questions in my live sessions as well as in my comment section in the videos that what should we do, what should we be concentrating or focusing on before the 15 or 10 days of UGC NET exam. So as we all know, UGC NET exam is going to be reheld. First thing first, nayi cheeze padhna band karo. Abhi samay nahi hai, ab tum naya topics nikaloge, naya topics padhne lagoge, then that will actually hamper your revision strategy. जैसा तुमने रिवीजन किया, देखो एक बार एग्जाम दे चुके हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा. तो यू जस्ट हैव टू री रिवाइज एवरीथिंग. अभी नया टॉपिक निकाल कर पढ़ना, कोई भी कुछ भी बोल दे, नया टॉपिक निकाल के पढ़ना इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल. दूसरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी लोगों से डिस्कस ना करना बेटर रहेगा. तुम जितना अपने आसपास लोगों से या अपने जितने भी अदर कंपिटेटर्स हैं उन लोगों के साथ या फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कशन करोगे, तो वो लोग कुछ कुछ पॉइंट्स बोलेंगे जो शायद तुमको नहीं पता होगा, और तुम कुछ पॉइंट्स बोलोगे जो शायद उनको नहीं पता होगा. तो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. जो तुम पढ़ रहे हो, जिस स्ट्रेटेजी को तुम फॉलो कर रहे हो, उस सब को छोड़ के अरे शी और ही टॉक्ड अबाउट दिस, आई नीड टू नो अबाउट दिस, इसमें तुम्हारा टाइम चला जाएगा. सो यू बेटर नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एनी मोर. तुम डिस्कशन अभी मत करो. डोंट इनिशिएट और स्टार्ट एनी सडन काइंड ऑफ डिस्कशन अबाउट द अरे ये वाला टॉपिक पढ़ा है, याद है इसमें क्या था, उसमें क्या था, दैट कैरेक्टर सेड दिस काइंड ऑफ डायलॉग, पता है तेरे को. देन यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल. योर गोल शुड बी ओनली शुड बी टू फोकसिंग ऑन दिस यू नो रिविजन स्ट्रेटेजी. बस रिविजन करो, ओवरलुक करते जाओ. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिटरेरी लवर्स या लिटरेचर लवर्स जो भी यूट्यूब चैनल है उनका एक 11 घंटा का एक ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर का एंटायर वीडियो है. उसको एक बार तुम देख लो, प्ले करो और देख लो, क्योंकि तुम ऑफकोर्स ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर करके गए होगे, तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म, लिटरेरी स्टडीज, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वी हैव इनफ वीडियोज फ्री में. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म एंड डिफरेंट कल्चरल स्टडीज, सो डीकंस्ट्रक्शन, डीफेमिलाइजेशन, हर चीज़ के बारे में हमको YouTube में मिल जाएगा. सो जस्ट गिव इट ओवरलुक देते रहो. ठीक है, देखते रहो, थोड़ा थोड़ा रिविजन होता रहेगा तुम्हारा. जस्ट फोकस ऑन योर रिवाइजिंग स्ट्रेटेजी इन द लास्ट 10 डेज. डू नॉट पुट एफर्ट्स ऑन लर्निंग समथिंग न्यू. अभी लिंग्विस्टिक के बारे में कोई ग्रामेटोलॉजी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देगा, तुमको नहीं पता होगा, तो यू डोंट स्टार्ट डूइंग दैट. तुमको जितना पता है लिंग्विस्टिक्स का उतना पता है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में नया चीज़ पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा फोकस डेविएट हो जाएगा बहुत ज़्यादा. सो डोंट डू दैट. और उसके बावजूद क्या, बस रिविजन करो, मस्त पढ़ाई करो अच्छे से और प्रिपरेशन करके जाओ. आई होप यू ऑल विल क्वालिफाई. जितने भी तुम लोग दे रहे हो अपना 100% दे के जाओ, और वहाँ पे एग्जाम हॉल में भी 100% देना. नहीं, मेरा सजेशन रहेगा, अभी ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी इफ़ यू हैव डन रियली वेल, प्रिपेयर रियली वेल, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द रिविजन स्ट्रेटेजी. और उसके बावजूद रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट लो. ठीक है, रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सर्टन एग्जाम, यू नीड टू स्लीप फॉर 6 to 8 आवर्स. 6 भी नहीं, कम है, 8 आवर्स डेली सोना चाहिए. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, 8 घंटे मैं सोती थी, 8 घंटे जैसे भी करके सोती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरा नींद पूरा नहीं होता था ना, अगर मैं 6 आवर्स या 4 आवर्स सोती थी ना, तो मैं पढ़ नहीं पाती थी. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस रियली वेल, कंसनट्रेट ऑन माई स्टडीज रियली वेल. सो ये जो लास्ट के 10-15 दिन है उसमें तुम अच्छे से सोना भी है. That is also really important. You need to sleep really well. Sleeping schedule तुम्हारा unnecessary stress के वजह से खराब नहीं होना चाहिए. और एक point ये है कि don't stress out much. ज़्यादा stress लेने की ज़रूरत नहीं है. Don't think much about the outcomes and circumstances. Of course, it is very easy on my part to say this right now because I have already qualified UGC NET in English literature. I was also amongst you when I was preparing for the exam, and I used to really stress out. Thinking about what if I won't qualify, what if I don't. जो हमारे हाथ में नहीं है, है ना, जैसे श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वी रियली नीड टू फोकस ऑन जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो है हम रिविज़न कर सकते हैं, अभी सो सकते हैं, प्लेंटी अमाउंट ऑफ पानी पीना है, सोना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और पढ़ाई करना है, रिविज़न करके जाना. दैट इज़ ऑल दैट वी कैन डू. वी डू नॉट नीड टू फोकस ऑन वॉट इफ़ आई डोंट क्वालिफाई, वॉट इफ़ मेरा अगर वहाँ पर कंप्यूटर सेट हो गया, वॉट इफ़ ये हो गया, वॉट इफ़ वो हो गया. तो अननेसेसरी सिचुएशन के बारे में मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा. वी रियली नीड टू फोकस ऑन, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो कि हाँ मेरा एग्जाम मैं देने जाऊंगी, आएगा, मैं अच्छे से एग्जाम करके आऊंगी. आई डोंट हैव टू बॉदर माई सेल्फ मच अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा. सो या,
दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से. ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इतना ही है. और ऑल द बेस्ट एवरी वन, एंड आई होप यू क्वालिफाई द एग्जाम एंड यू गिव योर बेस्ट. तुम क्वालिफाई करो या ना करो, यू लिटरली नीड टू जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना 100% दे के आओ, यही बहुत बहुत अच्छी बात है. या सो ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू.